नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। और अब हम लोग आ गए हैं एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर इवोलेट के स्टॉल पर। ये कुछ वक्त से इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और यहाँ पर इनके स्टॉल पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो एक एक करके मैं आपको इन सब के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर मैं 3 व्हीकल्स एक साथ कवर कर रहा हूँ और इन्हें ये लोग पोनी रेंज कहते हैं। पोनी रेंज के अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, पोलो, पोनी और एक और जो तीसरा सबसे स्पोर्टी वेरिएंट है वो है डर्बी। तो हम लोग सबसे छोटे पोनी वेरिएंट के साथ चालू करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा ही क्यूट सा एक स्कूटर है और यहाँ पर आपके पास लेड एसिड और लिथियम आयन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप इंस्टॉल्ड बैटरी कैपेसिटी की बात करें यहाँ पर, तो 1.88 किलोवाट आर की यहाँ पर बैटरी है। काफ़ी स्लीक, काफ़ी क्यूट आपको स्टाइलिंग मिलेगी यहाँ पर। ये इसकी हेडलाइट है, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं यहाँ पर और टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है। यहाँ पर अगर आप व्हील साइज़ देखेंगे तो 10 इंच अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इसका जो चार्जिंग टाइम है वो आपको बता करके रखा है। ये मैं आपको क्लासिक जो बता रहा हूँ, ये लिथियम आयन वर्जन है। यहाँ पर आपको लेड एसिड वर्जन में मिलता है, तो क्लासिक वर्जन में 3 से 4 आवर्स में आपका स्कूटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा और आपको 100 टू 110 किलोमीटर्स की रेंज यहाँ पर मिलेगी। ये स्लो स्पीड की स्कूटर्स हैं, तो जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर्स पर आवर की मिलती है, इसीलिए आप ज़्यादा रेंज एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं जो छोटी बैटरी है उस पर भी। चलिए अब स्कूटर को ज़रा और पास से देखते हैं। और यहाँ पर पीछे भी पूरी तरह से LED लाइटिंग दी गई है। ये देखिए, ये LED लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं और ब्लिंकर्स भी LEDs हैं। डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और अगर आप इसकी मोटर देखेंगे तो हब माउंटेड यहाँ पर आपको मोटर मिलती है। ये यहाँ पर ये फुटपैक मेरे ख्याल से निकलना चाहिए था, लेकिन हाँ इस तरह से ये निकलता है। और ये इसकी ग्रैब रेल है, यहाँ पर कलर्ड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है आपको, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बैटरी कितनी चार्ज है वो नज़र आएगी, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न और ज़रा इंडिकेटर्स भी देख लीजिए, इसके LED इंडिकेटर्स हैं, लाइट्स। और ये 3 मोड है, फर्स्ट मोड जो है वो सबसे कम पावर, सेकंड वाला ज़्यादा और तीसरा वाला जो है सबसे स्पोर्टी मोड है। ये पार्क जो है इसके साथ आप जो है रिवर्स करते वक्त ज़रा असिस्टेंस मिलेगा आपको। ये यहाँ पर एक हुक दिया गया है और ये इग्निशन है, एक बॉटल के लिए स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा, लंबा फुटबोर्ड और एक और हुक यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये जो है ये 3 में से पहला वेरियंट है, इसका नाम है पोनी। और ये देखिए इसकी LEDs काफ़ी आकर्षक है। और कैन यू जस्ट प्रेस द ब्रेक। और काफ़ी क्यूट, काफ़ी वेल फिनिश्ड ये स्कूटर है। ये जो कंपनी है ये रिसेंटली सेटअप की गई है, लेकिन इसके जो फाउंडर्स हैं ये लोग काफ़ी वक्त से कुछ दूसरे इको फ्रेंडली बिजनेसेस के अंदर हैं, फार्मिंग और इस तरह के जो डेयरी जैसे कुछ बिजनेसेस हैं वहाँ पर ये लोग काफ़ी वक्त से हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं आपको ये स्पीड जो ओडो है ये यहाँ पर नज़र आएगा और अभी ये रिवर्स में है इसलिए P आपको नज़र आ रहा है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इसकी कीमत जो है 50 to 55,000 रुपीज़ है। अगर आप लेड एसिड वेरिएंट के साथ जाएंगे तो आपको 50,000 रुपीज़ देने होंगे और अगर आप लिथियम आयन जो कि ये वाला वर्जन है जिसे क्लासिक कहते हैं उसके साथ जाएंगे तो आपको 55,000 रुपीज़ एक्स शोरूम इस गाड़ी के लिए देने होंगे। चलिए अब इसका जो दूसरा थोड़ा सा मोर एडवांस्ड वर्जन है वो देखते हैं, वो था पोनी। और अब हम लोग जो स्कूटर देखेंगे वो है पोलो। तो डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है लेकिन यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंसेस हैं। पीछे टेल लाइट भी काफ़ी अलग है, ब्लिंकर्स अलग हैं, यहाँ पर LED लाइटिंग नहीं है, यहाँ पर बल्ब्स मिलेंगे आपको, लेकिन ये जो सेक्शन है ये LED है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखें तो ये भी काफ़ी अलग है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फुली कलर्ड इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको ये डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। लेकिन जो स्विच गियर है ये काफ़ी सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था। यहाँ पर जो सामने वाला फेंडर है ये ज़्यादा बड़ा है, मोटा है, लेकिन व्हील्स और टायर्स सेम है। हेडलाइट यहाँ पर LED प्रोजेक्टर्स नहीं है, यहाँ पर बल्ब है और ये 2 ब्लिंकर्स हैं। यहाँ पर सामने एप्रन है, यहाँ पर भी काफ़ी सारा क्रोम आपको नज़र आएगा।
पीछे से काफ़ी सिमिलर लगता है, लेकिन टेल लैम्प्स अलग है। यहाँ पर ये कैरियर भी आपको दिया गया है, और वहाँ की तरह यहाँ पर भी आपके पास एक बॉटल होल्डर है, छोटा सा एक फ्लाई स्क्रीन यहाँ पर मिलेगा। और इसकी भी पावर आउटपुट जो है वो सेम है, जैसा मैंने आपको बताया 1.8 किलोवाट आर की यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी है, और चार्जिंग टाइम 3 to 4 आवर्स, रेंज है 90 to 100 किलोमीटर्स फॉर द क्लासिक वेरिएंट जो कि लिथियन आयन वाला वर्जन है, और टॉप स्पीड यहाँ पर भी 25 किलोमीटर्स पर आर की है। ज़रा स्कूटर को आप फिर से एक बार चारों तरफ से देख लीजिए। इसकी कीमत जो है ये ज़रा ज़्यादा है, और ये 55 to 60,000 रुपीज़ में आपको मिलेगा, 55,000 फॉर द लेड एसिड एंड 60,000 रुपीज़ फॉर लिथियम आयन वर्जन। अब इसी रेंज में जो तीसरा स्कूटर है वो है ये डर्बी, और ये डर्बी स्कूटर जो है ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाला स्कूटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी शार्प लाइंस हैं, जहाँ वो दोनों स्कूटर ज़रा क्यूट थे, ये स्कूटर जो है ये ज़रा शार्प है। और यहाँ पर ये बड़ा हेडलैम्प मिलता है आपको, बल्ब है यहाँ पर, आपको LED लाइटिंग नहीं मिलेगी, गोल्डन ब्राउनिश कलर में ये आपको सामने एप्रन मिलेगा, बहुत सारा एंगुलर काम है यहाँ पर। और जैसा कि वहाँ आप देख रहे हैं एक क्यूट फेस है, ये थोड़ा स्पोर्टी शार्प लुक यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है ये डिजिटल रीड आउट है, लेकिन ये कलर्ड डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पर स्विच गियर भी अलग है, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, ये हॉर्न है, और यहाँ पर आपको ये तीन मोड्स के लिए बटन मिलते हैं, और ये जो है ये एक्सेलरेटर है। सीट और पीछे आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे, हब माउंटेड मोटर है और डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। ये टेल लैम्प्स हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपको एक कैरियर यहाँ पर दिया गया है, जो पिलियन राइडर के लिए फुटपैक है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, और यहाँ से ये गाड़ी कुछ ऐसे नज़र आती है। अब ये इन तीनों ही गाड़ियों में सबसे ज़्यादा महंगा स्कूटर है, और इसकी जो प्राइस है वो 60 to 65,000 रुपीज़, और बैटरी यहाँ पर भी 1.88 किलोवाट आर की है, चार्जिंग टाइम 3 to 4 आवर्स, और रेंज 95 to 100 किलोमीटर्स फॉर द क्लासिक रेंज, टॉप स्पीड ये भी 25 किलोमीटर्स पर आर की है। यहाँ पर ये भी एक स्लो स्पीड स्कूटर है, ये एक हाई स्पीड स्कूटर नहीं है। तो ये जो रेंज है ये है इवोलेट स्कूटर्स की पोनी रेंज, सॉरी पोलो रेंज, पोलो के अंदर ये है पोलो, दिस इज़ पोलो डर्बी, एंड वहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था वो था पोलो पोनी। और इनकी जो प्राइस रेंज है वो 55 से लेकर के 65,000 रुपीज़ तक वेरी करती है। आशा करता हूँ कि इन वीडियोस के द्वारा आपको इन गाड़ियों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए थी वो मिली। और अब हम लोग वो वहाँ पर जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं हॉक, जो कि एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और उस मोटरसाइकिल को देखते हैं।